अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई डिश के साथ। आज हम बनाएंगे दूध की सेवइयाँ। तो हमने यहाँ पर 20 से 25 बादाम ले लिए हैं और किशमिश ले लिए हैं। काजू भी मैंने 20 से 25 लिए हैं और यहाँ पर मैंने पिस्ता और इलायची 4 से 5 ले लिए हैं। और हमने 600 ग्राम के करीब सेवइयाँ ले ली है और हमने यहाँ पर 150 ग्राम खोवा ले लिया है और 1 लीटर स्पेशल दूध ले लिया है। तो हम अभी इसे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को देख लें। तो अब हम इस बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब घी ले लिया है और हम पहले सेवइयों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मैंने सेवइयों को पहले रोस्ट कर दिया है। और हम इसमें पहले तो इलायची डालेंगे। फिर हम बादाम डालेंगे। हम बादाम को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने तक पकाएंगे। हमने बादाम पहले इसलिए डाले हैं, बाकी उसके ताबे के बाद थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं फ्राई होने में, इसलिए बादाम फ्राई कर लेंगे थोड़े से। जब हमारे बादाम थोड़े से फ्राई हो जाएं तो हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से चलाएंगे
बहुत जल्द ही जल जाते हैं, तो हम इसको चलाते हुए ट्राई करेंगे। तो देखें हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इसमें जो मैंने एक लीटर दिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब हमारा दूध अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा, अच्छे से हम इसको बॉइल कर लेंगे। अच्छे से बॉइल हो जाएगा तब हम इसमें खोआ ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें खोआ ऐड कर देंगे। और खोए को भी अच्छे से दूध में पका लेंगे। जब हमारा खोआ अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। खोआ और चीनी को अच्छे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा हमारा दूध, तब हम इसमें जो हमने रोस्ट करके सेवियां रखी हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप इस तरह बना कर देखेंगे, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं ये हमारी दूध की सेवियाँ। तो आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें। हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही बॉईल होने देंगे। जब इसमें 2-3 उबाल आ जाएंगे, बॉईल आ जाएगा, अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे। और फिर हम इसे चेक करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, हमारी सेवियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखने में तो बहुत ही मज़े की लग रही हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, अच्छे से मिलाकर डिश आउट करेंगे। तो हमारी सेवियाँ बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें। तो हम आपसे मिलते हैं फिर एक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।